हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ करो सब जन। अपने पड़ोसी से पूछो, पूछो क्या तुम अकेले हो? कहो मत डर, यूसुफ भी अकेला था लेकिन परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। अपने पड़ोसी से पूछो क्या तुम गरीब हो? कहो मत डर, याकूब भी गरीब था, याकूब भी गरीब था लेकिन परमेश्वर ने उसे अमीर किया। आमीन, परमेश्वर की तारीफ करो सब जन। अगर आपकी परिस्थिति आपको धोखा ना दे, आप वो बनेंगे जो परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। आमीन। अगर आपकी परिस्थिति को आप आत्मिक आंखों से देख जाएं और समझ जाएं, आप समझ जाएंगे परमेश्वर आपको क्या देना चाहते हैं और शैतान आपको क्या देना चाहते हैं। जब यूसुफ समझ गया कि परमेश्वर मुझे आशीषित करना चाहते हैं और ये अकेलापन मुझे डराना चाहते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है इस समझ के कारण वो पाप में नहीं गिरा और परमेश्वर ने उसे वो बनाया जो परमेश्वर उसे बनाना चाहते थे। आमीन। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिश्चियन मसीह व्यक्ति के जीवन में ये है कि उसकी परिस्थितियां उसको धोखा देती हैं और वो जानता नहीं। उसकी अपनी परिस्थितियां उसको धोखा दे रही हैं और वो जानता नहीं। याकूब गरीब था लेकिन अपने मामा लाबान के घर में नौकरी कर रहा था 20 साल से। वो जानता था उसके पास कुछ भी नहीं अगर वापिस जाना चाहे, लेकिन इस परिस्थिति ने उसको अगुवाई नहीं की कि वो गलत तरीके से भेड़ों और बकरियों को कमाए, बल्कि इस परिस्थिति ने उसकी अगुवाई की कि वो और परमेश्वर के करीब जाए और वो छुटकारा ले जो सर्वशक्तिमान की ओर से आता है। आमीन। उसने अपनी बुद्धि की, अपनी समझ की सुनी नहीं, लेकिन उसने परमेश्वर की सुनी। उसने धोखा नहीं खाया। दिमाग कहता होगा तेरे पास कोई पैसा नहीं है, अगर आज तुझे पत्नी बच्चों को वापस लेके जाना पड़े तेरे पास कोई पैसा नहीं है, तुझे चोरी करनी चाहिए, तुझे बेईमानी करनी चाहिए। अपने पड़ोसी से बोलो, बोलो बेईमान मत बन। अपनी परिस्थिति को मौका मत दे, अपनी गरीबी को मौका मत दे कि वो तुझे बेईमान बना दे। परमेश्वर पे भरोसा रख, वो उचित समय पे उचित कामों को करेगा। आमीन। याकूब ने परमेश्वर पे भरोसा रखा कि परमेश्वर मुझे वापस लेके जाएगा और पैसों का इंतजाम मेरा परमेश्वर करेगा, लेकिन मैं बेईमानी में जाने वाला नहीं हूं, मैं अपने मामा की भेड़ और बकरे को चुराने वाला नहीं हूं, मेरा परमेश्वर राइट टाइम पे इंतजाम करेगा। आमीन। जब शैतान आपको देखता है कि आपकी परिस्थिति आपको परमेश्वर से दूर लेके जा सकती है, इसीलिए परिस्थितियां बदलती नहीं, बुरी के बाद बुरी के बाद बुरी आपके जीवन में मेरे जीवन में रहती है। लेकिन जब शैतान ये देख लेते हैं कि इसकी परिस्थितियां इसको परमेश्वर से दूर नहीं लेके जा सकती, वो परिस्थितियां जो बुरी हैं जल्द बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में अच्छी परिस्थितियों में। आमीन। अपनी परिस्थितियों को मौका मत दो। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो मत मौका दे। अपनी सिचुएशंस को, अपनी बीमारियों को, अपनी गरीबी को कि वो तुझे धोखा दे और परमेश्वर से दूर ले जाए। आमीन। बाइबल में लिखा याकूब ने धोखा नहीं देने दिया, यूसुफ ने धोखा नहीं खाया। जब रूत अकेली हो गई, विधवा हो गई, उसकी सासू माँ विधवा, वो विधवा कोई नई पास नहीं है, इस विधवापन ने उसे धोखा नहीं दिया कि वो गलत कामों में जाए और परमेश्वर को धोखा दे, बल्कि उस अकेलेपन को उसने इस्तेमाल किया कि वो सर्वशक्तिमान के और करीब जाएगी। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर के करीब जाने का फल ये मिला कि बोझ नामक व्यक्ति उसकी जिंदगी में आया जो परमेश्वर की ओर से था। आमीन। जब उसने अपनी परिस्थिति को मौका नहीं दिया कि वो अकेलापन उसे पाप की ओर ले जाए, मिस्र की ओर, पुराने जीवन की ओर ले जाए, उसने अपने उस परिस्थिति को ये मौका दिया और उसने अपनी परिस्थिति को इस्तेमाल किया कि ये परिस्थिति मुझे परमेश्वर के और करीब ले जाए। अगर आपकी परिस्थितियां आपको धोखा ना दें तो आप वो बनेंगे जो परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। आमीन। बाइबल में लिखा एक क्रिश्चियन व्यक्ति, एक मसीह व्यक्ति की आंखें जो स्पिरिचुअल है, आत्मिक मस्त है, जरूरी है, वो खुली होनी चाहिए। बाइबल में लिखा है कि कितने जन थे जो यीशु मसीह के आसपास क्रूस पे चढ़ाए गए थे, कितने? बाइबल खोलो अपने नया नियम, लुका की पुस्तक उसकी 23 बाब उसका 39 आयत को पढ़ेंगे, 39 आयत को पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु,
जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। लिखा, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। लिखा, दूसरा डाकू ने उसे डांट के कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता, तू वही दंड पा रहे हैं, हम न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। लिखा, दो डाकू जो परमेश्वर के आसपास लटकाए गए थे, एक डाकू बोलता है, अगर तू मसीह है तो मुझे भी बचा और अपने आप को भी बचा। और दूसरा डाकू जो परमेश्वर की दूसरी ओर लटकाया गया था, वो बोलता है उस डाकू को छिड़के मार के, कहता, तूने और मैंने पाप किए हैं, हम न्याय अनुसार उचित दंड पा रहे हैं, तेरे और मेरे पाप का कारण, पाप का न्याय सूली और हमने पा ली, लेकिन इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। और लिखा, दूसरा डाकू जिसने झिड़के मारी और यीशु मसीह को बोलता है, कहता, यीशु मसीह, जब तू अपने राज्य में जाना तो मुझे याद करना। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसी वक्त उससे कहा, आज मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज की शाम तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। उसी वक्त परमेश्वर ने कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। अपने पड़ोसी बोलो, मांगो लेकिन सही तरीके से, जो भी करो सही आत्मा से। हालेलुया। क्या फर्क था दोनों के मांगने में बताओ? एक कुछ भी फर्क नहीं, दोनों का मांगना सेम था। एक भी कह रहा था मुझे बचा, दूसरा भी कह रहा था मुझे बचा। मांगने का तरीका गलत था। जब इसराइली लोग बाइबल में लिखा छुड़ाए गए मिस्र से, रास्ते में मूसा से कहते, मूसा क्या तू मिस्र से लेके आ गया हमें, हम अच्छे थे, वहां हम प्याज खाते थे, वहां मछलियां खाते थे, क्या रोटी रोज रोज, रोटी रोज रोज आसमान से वही मन्ना, हम बोर हो गए इस रोटी से, हमें मांस चाहिए। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें मांस तो दूंगा, लेकिन भजन संहिता कहती परमेश्वर ने मांस तो दिया पर उनके प्राणों को सुखा दिया। अगर वो मांस मांगते परमेश्वर देता, लेकिन उचित रीति से मांगते। दूसरा डाकू अगर मांगता सही रीति के साथ कि परमेश्वर मुझे बचा, कहता परमेश्वर जे तू परमेश्वर ते अपने आप बचाते मेनू भी बचा, जे तू परमेश्वर पहला मेरे जीवन से साबित कर, परमेश्वर ऐसा कुछ भी साबित नहीं करेंगे आपके जीवन में, ऐसा कुछ भी वो साबित नहीं करेंगे, वो साबित कर चुके हैं क्रूस पे जान को देके। अब लिखा विश्वास कर तो तेरा उद्धार होगा। आमीन। अब लिखा सिर्फ विश्वास कर, परमेश्वर को ये मत बोल कि जे तू परमेश्वर पहला मैंने आजाद कर, पहला मैंने चंगा कर और मैं समझ जाऊंगा तू परमेश्वर है। परमेश्वर का कोई सिंहासन नहीं हिलता अगर आप यीशु मसीह को मानना छोड़ दें। उसको मानना हमारा फायदा है और ना मानना हमारा नुकसान। लिखा जो उसको मानेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, जो नहीं मानेगा वो एक दिन दोषी ठहराया जाएगा। उस डाकू ने मांगा तो जरूर, लेकिन गलत 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 तरीके से। कहता परमेश्वर जे तू परमेश्वर है तो मैं भी छुड़ा दे, अपने आप भी छुड़ा। और दूसरा कहता परमेश्वर मैं जानता हूं तू परमेश्वर है, जब तू स्वर्ग में जाना मैं मुझे याद करना। परमेश्वर ने कहा आज शाम को हम इकट्ठे भाई स्वर्ग में होंगे। आमीन। क्योंकि तूने सही रीति के साथ मांगा है। इसराइलियों ने अगर सही रीति के साथ मांगा होता तो कभी परमेश्वर उनके प्राणों को ना सुखाते। बाइबल में लिखा उन्होंने मांगा लेकिन बुड़बुड़ाहट के साथ। जब उन्होंने पानी मांगा बुड़बुड़ाहट के साथ, जब उन्होंने कुछ भी मांगा ये कह के मांगा हम मिस्र में अच्छे थे, पुराने जीवन में अच्छे थे, वहां ये तो था परहेज तो कोई नहीं था, ये सब विरोध तो कोई नहीं था। लेकिन बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने कहा मेरा रास्ता तंग रास्ता है, लेकिन जो इस रास्ते पे चलेगा उत्तम पदार्थों को पाएगा, अपने टाइम के हिसाब से नहीं मेरे टाइम टेबल के हिसाब से। आमीन। अपनी परिस्थिति को मौका मत दो, अपने पड़ोसी को फिर से याद करवा दो। अपनी बीमारी को बोलो मौका मत दो कि वो तुझे धोखा दे, परमेश्वर पे आस लगाए रख। आमीन। कितनों को समझ आ रहे हैं? कुछ लोग परमेश्वर मुझे बता रहे थे, जब एक किसान जब बीज को बोते हैं अपने खेत में, क्या यह संभव है उसने जितना बीज बोया सिर्फ उतनी फसल आए? अगर उसने एक बोरी आलू बोए हैं तो एक बोरी काटेगा वो 30 गुना 60 गुना है, बाइबल कहती है 100 गुना काटेगा। आमीन। लेकिन अगर वो ज्यादा बोए तो ज्यादा काटेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर वो ज्यादा बो के उसे भूल जाए और पानी ना दे तो वो कुछ भी नहीं काटेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मेरा रास्ता तंग रास्ता है। पहले तो तुम्हें शैतान बोने नहीं देगा, वो तुम्हारे दिमाग में इतनी बातें डाल देगा कि तुम बो ना पाओ, बोने ना पाओ। अगर तुमने गलती से बो दिया
फिर वो तुम्हारे जीवन में ऐसा पाप रखेगा कि जो बोया गया वो फल ना लेके आए, और आगे से तुम्हारा दिल कभी बोने को ना करे। कितनों को समझ आ रही? लिखा, जब तू बोए तो फसल को पानी देना, उसको उचित रीति से संभाल के रखना, उसकी केयर करना, ताकि जो तुमने बोया है उचित समय पे, टाइम आने पे वो तुम्हें फल दे और तुम्हारी एक गवाही पैदा हो। आमेन। बाइबल में लिखा है, जब एक विधवा परमेश्वर के भवन में दो दमड़ियां डाल रही थी और परमेश्वर देख रहे थे, परमेश्वर ने कहा सब धनवानों ने अपनी बढ़ती में से डाला है, लेकिन इस विधवा ने सबसे बढ़ के डाला है। परमेश्वर ने नहीं कहा इसने सबसे कम डाला है, परमेश्वर ने कहा इसने सबसे बढ़ के डाला है, क्योंकि इसका देने का जो एटीट्यूड था, जो देने का जो मन था, वो बिल्कुल सही और उचित था। आमेन। पहले तो शैतान बोने नहीं देता, अगर बो दो तो वो आपके बीज को खा जाते हैं, ताकि आप दोबारा कभी बोने का फैसला ना करें। इसीलिए जब आप बीज को बोते हैं, अपने जीवन को भी संभाल के रखना है, पाप से भी दूर रहना है, परमेश्वर की प्रेजेंस में भी बने रहना है, ताकि वो बीज जो आपने बोया है आपको 100 गुना फल दे। आमेन। अपनी परिस्थिति को कभी मौका मत दो कि वो आपको धोखा दे। रूत ने धोखा नहीं खाया, वो जानती थी प्रॉब्लम है, वो जानती थी अब मैं मुझे अकेली जीना पड़ेगा, लेकिन बाइबल कहती उसने धोखा नहीं खाया, उसने सर्वशक्तिमान पे विश्वास रखा। वो जानती थी परमेश्वर की आराधना करना वहां नसीब नहीं होगा, चाहे दुनिया के सारे सुख वहां नसीब हो, और बाइबल कहती जहां परमेश्वर आपके साथ नहीं, एक दिन वही सुख कब दुख में बदल जाएंगे हम नहीं जानते, क्योंकि जो घर रेत पे बना है और जो चट्टान पे बना है दोनों सुंदर दिखते हैं। हो सकते हैं कि जो रेत पे बना है वो ज्यादा अच्छा दिखता हो, जो रेत पे बना है वो ज्यादा सुंदर दिखता हो, वो ज्यादा बड़ा दिखता हो, वो ज्यादा कलरफुल हो, लेकिन पता तब चलेगा जब आंधी और तूफान आएगा, पता तब चलेगा जब यीशु मसीह के नाम के कारण आपके जीवन पे परीक्षा आएगी। यीशु मसीह ने कहा बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, और कुछ बीज रास्ते में गिरे और शैतान ने उन्हें चुग लिया, कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरे और जल्दी उगाए लेकिन धूप पड़ने के कारण जल्दी सूख गए। उन बीज की मैं बात कर रहा हूं जो लोग गवाहियां सुन के जाते हैं और जल्द विश्वास कर लेते हैं, वचन सुन के जाते हैं और जल्द विश्वास हो जाता है, लेकिन जब कलेश और ठोकर उनके जीवन में आता है उस वचन पे विश्वास करने के कारण, तब वो अपना स्टैंड छोड़ देते हैं और वो जो उगता है वो सूख जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस बीज को मैं बोऊंगा वो उसे उत्तम मन में संभाल के रखेंगे, यानी अपने बीज को वो रक्षा उसकी रक्षा करके रखेंगे। उत्तम मन से संभालने का कारण कि चाहे वचन को मानने के कारण उनके जीवन में कलेश आए या ठोकर आए या कोई भी कुछ भी कहे, वो अपने उस बीज को संभाल के रखेंगे, उस वचन को जो उन्होंने सुना वो उसी पे मनन करते रहेंगे, बाहरी वातावरण कैसा भी हो लेकिन वो उस वचन को छोड़ेंगे नहीं, और धीरे धीरे वो फल लेके आएंगे, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। आमेन। आपका फल 100 गुना हो। आमेन। लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं आप 100 गुना फल लेके आए, लेकिन अपनी परिस्थिति को मौका मत दो कि वो आपको धोखा दे, अपनी गरीबी को मौका मत दो कि वो आपको धोखा दे, अपनी बीमारी को मौका मत दो कि वो आपको धोखा दे। अगर परमेश्वर के सामने जाओ तो सही आत्मा से जाओ, ऐसा ना हो जो आपने बोया वो व्यर्थ चला जाए, जो बीज आपने बोया वो फल ना लेके आए और आप फिर दोष परमेश्वर को दें जबकि दोष आपका हो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले जो तो बोएगा वो काटेगा। कितनों को याद है एक कनानी औरत परमेश्वर के पास आई और परमेश्वर से बोला परमेश्वर मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा से सता रहा है उसको निकाल दे। कितनों ने पढ़ी है स्टोरी? क्या कहा था परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा बच्चों की रोटी कुत्तों को देना उचित नहीं। क्यों? क्योंकि अन्य जातियां परमेश्वर के सामने एक कुत्ते के समान थी और परमेश्वर अन्य जातियों से कुछ भी वास्ता नहीं रखते थे, यहूदी लोग। और परमेश्वर ने कहा अभी मैं सिर्फ यहूदी लोगों के लिए अपनी रोटी को दे सकता हूं। उस औरत ने क्या कहा? कहती परमेश्वर कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो तेरे बालकों की मेज से गिरते हैं। और परमेश्वर ने कहा जा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जा चुके हैं। आमेन। उसी तरह जैसे एक किसान एक बोरी बीज को बोए तो वो एक बोरी नहीं ज्यादा काटते हैं क्योंकि वो जानता है ये फलवंत होगी। पिछले हफ्ते वीरवार को आपने सुना था कुछ 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 लेडीज जानबूझ के अपने बच्चों को गालियां निकालती हैं
फिर थोड़े थोड़े सालों के बाद वो सच्ची मर जाते हैं, उनको यकीन नहीं होता कि ये क्या हो गया और क्यों हुआ, कि परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, आपने जो बोया था आपने वो काटा है। कितनों को समझ आ रही? उस औरत को अपनी जीभ को इस्तेमाल करना आता था, ये उसके अंदर एक गुण था। अगर वो परमेश्वर की बात पर गुस्सा करके वापिस चल जाती तो शायद उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहती और शायद उसी हालत में मर जाती। लेकिन वो जानती थी अपनी जीभ को इस्तेमाल कैसे करना, और उसने कहा, परमेश्वर कुत्ते भी वही चूर चार खा लेते हैं जो तेरे बालकों की मेज से घिरते हैं, मुझे वही कुत्ता समझ ले और वही मुझे चूर चार दे दे। और परमेश्वर ने कहा, जब तू वापिस जाएगी तो तू अपनी बेटी को देख चुकी देखेगी कि दुष्ट आत्मा उसकी तेरी बेटी को छोड़ के जा चुका। और लिखा, जैसे वो वापिस गई वो दुष्ट आत्मा उसकी बेटी को छोड़ के जा चुका था। आमीन। जो व्यक्ति अपने होंठों को अपने शब्दों को इस्तेमाल करना जानता है, एक बात को हमेशा याद रखना, आपके मुंह से जो बोया जाता है वो फल लेके आता है। बुरा या अच्छा ये बोने वाले पे निर्भर करता है। अगर आपके मुंह से निकले मैं कभी सफल नहीं हो सकता तो परमेश्वर भी आपको कभी सफल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके मुंह से निकले मैं कभी चंगा नहीं हो सकता तो परमेश्वर भी आपको चंगा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ताकत दी है, आपके शब्दों में ताकत है। परमेश्वर ने कहा, जो इसको फल में लाना जानेगा वो इसका फल पाएगा, जो इसको काम में लाना जानेगा वो इसका फल पाएगा। परमेश्वर ने गुस्सा किया जब इसराइलियों ने अपने होंठों को खोल के बुड़बुड़ा के मांगा। बात मांगने की नहीं थी, परमेश्वर आसमां से हीरे भी बरसा सकता था, लेकिन बात बुड़बुड़ा के मांगने में थी। अगर आप अपने मुंह से निकालेंगे मैं कभी चंगा नहीं हो सकता तो परमेश्वर भी आपको चंगा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके मुंह में परमेश्वर ने ताकत दी है सही बोने की या गलत बोने की। परमेश्वर आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। जब ये खामरा में कलीसिया स्टार्ट हुई थी, मैंने लोगों को बोला था कि यहां पे सिर्फ 30 लोग हैं, लेकिन आप देखेंगे कुछ ही सालों में यहां हजारों लोग होंगे। उनको यकीन नहीं होता था कभी भी। पिछले 51 हफ्तों में 8,700 के करीब लोग चर्च में आए हैं, नए लोग। अगर आपके मुंह में ताकत अगर आप समझ जाएं तो आप कभी भी इसे गलत रीति से इस्तेमाल। एक पास्टर को मैं जानता हूं, आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे, वो जीवित है इस धरती पे या अभी भी, उसके मुंह की ये वर्डिंग है कि मुझे कभी जुकाम भी नहीं होगा, और मैंने उसे आज तक ऐसे करते नहीं देखा आज तक। और कुछ लोग बोलते नहीं ये घमंड है, ये है। बात ये है कि आप परमेश्वर को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। उसके मुंह से ये बात निकलती, मुझे कभी कैंसर नहीं होगा, मुझ में यीशु मसीह का जीवन है, मुझे कभी ये नहीं होगा, मुझे कभी स्टोन नहीं होगा, मुझे कभी ब्रेन हैमरेज नहीं होगा, मुझे कभी भी मेरी किडनीज काम करेंगी, मेरा दिल काम करेगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने दिल को बनाया था तो उसे लगातार काम करने के लिए बनाया था, किडनीज को लगातार काम करने के लिए बनाया था। बात ये, आप कितना परमेश्वर को समझते हैं और आप बोलते क्या हैं। अगर आपने कांटे बोए हैं तो आप कांटे काटेंगे, अगर आपने नेगेटिव बोया है तो नेगेटिव आपने काटना है। उस औरत के बारे में सोचो जिसका एक ही बेटा था, और परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने बोला था कि अगले साल मैं आऊंगा तुझे बेटा होगा। लिखा, उस औरत के बेटा हुआ बुढ़ापे में, और एक दिन वो बेटा मर गया, और अपने बेटे को कमरे में बंद करके वो परमेश्वर के दास के पास दौड़ती जाती पहाड़ पे, और परमेश्वर का दास दूर से देखता है कि ये दौड़ती हुई आ रही है, अपने सेवक को भेजा, कहता है भाग के जाओ उससे पूछ क्या, क्या तेरा पति कुशल से है, तेरा बच्चा कुशल से है, सब कुछ कुशल से है। कहती, इट इज वेल, सब कुशल से। जब तक वो परमेश्वर के दास के पास नहीं गई, उसके पांव पे गिर के बोलती, क्या मैंने तुझसे बेटा मांगा था। लेकिन अपने पति को भी उसने बताया नहीं कि बच्चा मर गया, उसने मुंह से एक भी बार नहीं बोला बच्चा मर गया। और परमेश्वर, बाइबल बताती, परमेश्वर ने उस बच्चे को दोबारा जीवन दिया। आपके मुंह में ताकत, अपने पड़ोसी से बोलो, अगर तू इसको काम में लाना जान जाएगा इसका फल पाएगा। आमीन। अगर आप नेगेटिव अपने लिए बोलेंगे और दूसरों के लिए, परमेश्वर भी आपको फलवंत नहीं करेंगे। जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया तो अपने शब्दों के द्वारा बनाया, और इसीलिए आपको अपने स्वरूप में बनाया, क्योंकि आपके शब्दों में ताकत। क्या था जब ये कलीसिया शुरू हुई थी, एक भी मरला जमीन नहीं थी इस कलीसिया के पास, और आप देखेंगे एक साल के अंदर अंदर हम कितने खेतों में जाएंगे, अभी नए खेतों। आमीन। आपके मुंह में ताकत है,
कई बार लोग पूछते हैं ये क्या होगा, ऐसा कैसे होगा। कई बार परमेश्वर का आत्मा कुछ नहीं कहता, लेकिन अपने शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं कि इट इज वेल, तेरे साथ अच्छा होगा यीशु मसीह के नाम में। और जैसा आप बोलेंगे वैसा होगा, और आपके साथ अच्छा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप विश्वास करते हैं कि आपके शब्दों में ताकत है? अगर आप गालियां निकालेंगे तो परमेश्वर भी आपको ब्लेस नहीं करने पाएंगे, वो कर नहीं पाएंगे आपको चाहते हुए भी, क्योंकि जो कुछ आपके मुंह से निकलेगा वो फल लेके आएगा। आपके शब्दों में ताकत है, क्योंकि जो आप बोएंगे आपको काटने को मिलेगा। उस औरत ने सही बोया और कहा कि परमेश्वर मुझे कुत्ता समझ ले और मुझे रोटी चूर चार दे दे, लेकिन मैं लेके जाऊंगी, लेके लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी वापिस। इसराइलियों ने वही मुंह को इस्तेमाल किया और कुड़कुड़ाए। परमेश्वर बोला, परमेश्वर जेतु हम मिस्र में अच्छे थे, पहले अच्छे थे, वहां अच्छे थे। और परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर ने गुस्सा किया इस बात का। हालेलुया। अपने शब्दों को जब बाइबल में लिखा, मूसा की अपनी बहन और अपना भाई बोलते कि मूसा से ज्यादा प्रभु बात करता है, हमसे नहीं करता। लेकिन परमेश्वर ने इस बात का गुस्सा किया और मरियम को कोड़ हुआ। जो अपने शब्दों को और पहला जोड़ा याद करो, जब परमेश्वर आए लिखा ठंडे समय में कहा आदम आदम, आदम छुपा हुआ है और परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर कहता मैं नंगा था, मैं छुप गया। परमेश्वर ने कहा किसने बताया तू नंगा, क्या तूने वो फल खाया है जो तूने खाने के लिए तुझे मना किया था? कहता ना 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 मैंने नहीं खाया, इस औरत ने तू बनाया ना जिन्नू इन्हें मैंने खवा दी। कहता जिस औरत को तूने बनाया ना इसने मुझे खिलाया, वो अपने मुंह के कारण वो फंसा। और परमेश्वर ने दोनों को शापित, उसने नहीं कहा परमेश्वर आई एम सॉरी, माफ कर दो गलती हो गई, एक भी बार उसने नहीं कहा। कहता परमेश्वर पे इल्जाम लगा रहा, कहता परमेश्वर जिसको तूने बनाया ना उसने मुझे भरमा दिया। और परमेश्वर ने कहा आदम तू श्रापित है, औरत तू श्रापित है, शैतान तू भी श्रापित। ये जबान आपको आशीषित या आपको श्रापित कर सकती है। जब इसहाक ने अपने बेटे को याकूब को आशीष दे दी, आशीष एसाव की थी, ले याकूब गया। और एसाव जब आता कहता मुझे तो आशीष दे, कहता अब मेरे मुंह से आशीष निकल चुकी और जो निकल चुकी वो उसको लगी रहेगी। कितनों को समझ आ रही है जुबान की ताकत? कहता रो रो के मांगता है, कहता मुझे कुछ तो आशीष दे, क्या तेरे पास एक भी आशीर्वाद नहीं है? कहता जो मेरे मुंह से निकल चुका है याकूब के लिए वो उसको लगा रहेगा, जो मेरे मुंह से आशीष निकल गई वो उसे लगी रहेगी, उसका 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 निवास उपजाऊ भूमि पर रहेगा, जो मैंने बोल दिया वो होगा उसके जीवन में, क्योंकि मैंने उसको आशीष दी है, मेरे मुंह से निकल चुका है और वो आशीष उसको लगी रहेगी। आमीन। जो व्यक्ति अपने मुंह को सही रीति से काम में लाना जानते हैं, जो सही बोना जानते वो सही काटना भी जान जाएंगे। कई बार परमेश्वर का आत्मा जब कुछ भी गाइड नहीं करता, आपको बोलना पड़ता है विश्वास के शब्दों को। और जैसा आप बोलते हैं, परमेश्वर का आत्मा अगर आपके अंदर है तो वो चीजें सच में पैदा हो जाएंगी जो आपके मुंह से निकलेंगी।